नमस्ते एवरी वन मैं मास्टर प्रवीण एंड आई होप एंड विश दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वी रियली नीड यूअर ब्लैसिंग्स ऑल द टाइम सो गाइज आज का जो वीडियो है टूडे वीडियो इज रियली फोकस ऑन वन ऑफ द वेरी कॉमन इशू विच एवरी वन इज़ फेसिंग ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर फेसिंग दैट इज़ द बैक पेन प्रॉब्लम तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा बैक पेन के ऊपर रहेगा और बैक पेन जो है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग स्पेशली फॉर द ऑफिस वर्कर हु हैव ए लॉन्ग टाइम सिटिंग जॉब जिनका बैठने का सारे दिन का काम होता है या खड़े होकर जिनकी सारा दिन उनका काम रहता है सो बिकॉज ऑफ सिटिंग लॉन्ग टाइम इज रियली इम्पैक्टिंग द लोअर बैक या और भी बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं बैक पेन देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक पेन बैक पेन के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं और अलग अलग इसकी कैटेगरीज हैं इफ समथिंग इज अ वेरी सुवेरियर समथिंग इज अ वेरी क्रिटिकल सो बेटर यू यू टेक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर तो अगर एक ये इनिशियल लेवल पर अगर आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी इशू है और माइट बी यू आर फीलिंग सम स्ट्रेस और सम स्ट्रेन इन यूर बैक आपको उठते बैठते अगर आपको बैक के अंदर कोई स्ट्रेन आपको आता है स्ट्रेस आता है या आप ज़्यादा समय कोई काम करने के बाद आपको बैक के अंदर कोई स्ट्रेन है या स्ट्रेस है तो हो सकता है कि बैक के मसल्स कहीं ना कहीं वीक हैं या आपकी कोर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वीक है तो मैं आज की जो वीडियो जो हम इसको कुछ बेसिक चीजें बस हम थोड़ा सा यहाँ लर्न करेंगे और माइट बी यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियो इवन ऑन यूट्यूब बहुत सारी वीडियो आपको वो भी मिल जाएंगी बट अमंग दैट मैं भी एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा बैक पेन इशू को लेकर सो बैक पेन को लेकर कुछ एक चीजें जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है नंबर वन की यू ट्राई टू अवॉइड एक्सट्रीम फॉरवर्ड बैंडिंग फॉरवर्ड बैंडिंग को जितना हो सके आप उसे अवॉइड कीजिए नंबर टू वैन एवर यू नीड टू फॉरवर्ड बैंड जैसे कि आपको कुछ चीज़ जमीन से उठानी भी है समटाइम यू नीड टू पिक अप समथिंग तो ट्राई टू बैंड यूर लेग्स एंड देन यू ट्राई टू पिकअ द थिंग्स जैसे कि कोई चीज़ अगर आपको उठानी है तो आप पहले स्टैंड सीधा सीधा मत उठाइए लेग्स बैंड एंड आफ्टर यू ट्राई टू पिक अप द थिंग्स और ट्राई टू अवॉइड कि आप भारी चीज़ों को उठाना थोड़ा सा आप अवॉइड करें और आप Uh, जो है अपने रूटीन के अंदर आपका सिटिंग रूटीन है या जो भी आपका जो रूटीन है उसके अंदर आप थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा अपने स्पाइन को थोड़ा सा आप स्ट्रेच आप जरूर दीजिएगा तो यहाँ पर मैं कोई एक्सट्रीम लेवल बैक पेन के ऊपर ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है दिस वीडियो इज ओनली फोकस जिनको स्पाइन में थोड़ा बहुत स्ट्रेस है या स्ट्रेन है या बैक पेन की जस्ट अभी वो एक इनिशियल स्टार्टिंग है या अगर समवन इज टोटली फिट एंड फाइन वो भी अगर इस प्रैक्टिस को करते हैं तो दे विल हैव द स्ट्रोंगर स्पाइन दे विल हैव द वेरी हेल्थी स्पाइन क्योंकि नेचुरली वी हैव द स्पाइन कर्व हमारी इस तरह का स्पाइन कर्व होता है कि वी स्पेशली लोअर स्पाइन को हम हील नहीं कर पाते हैं सो फॉर दैट आई विल गिव यू द सम टिप्स मैं थोड़े बहुत आपको मैं टिप्स दूंगा अगर आप कहीं और से भी देख सकते हैं दैट इज टोटली फाइन आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली यू प्लीज ट्राई टू फॉलो इट उसे फॉलो जरूर कीजिएगा कुछ चीजें ध्यान में क्या रखने की जैसे कि इन वन डे तो आप कम से कम दो बार या तीन बार आपके पास कोई पिलो होगा घर के अंदर पिलो है या कोई बेडशीट है आई दिस पिलो मोमेंट मेरे पास अभी यही है तो मैं आपको यही बताऊंगा इफ यू हैव द क्वेश्चन अगर आपके पास क्वेश्चन भी है जो जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और इट अ व वेरी बिग साइज बहुत बड़े साइज का लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन यूर स्पाइन पोजिशन वो आपकी स्पाइन पोजिशन आपकी स्पाइन कितनी स्ट्रांग है कितनी हेल्दी है कितनी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कितनी उसके अंदर वीकनेस है उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है एग्जाम्पल इनिशियल केस में इनिशियल लेवल के अंदर आप इस तरह का कोई भी पिलो ले, आप ले सकते हो और उसके ऊपर यू जस्ट सिंपली यू हैव टू लाइंग ऑन दैट आपको बिल्कुल सीधा सीधा आपको लेटना है स्पेशली इफ यू आर ए ऑफिस वर्कर अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं ड्यूरिंग योर ऑफिस टाइम अगर आपको कहीं पर भी कुछ टाइम मिलता है आपको अगर यू हैव सम प्लेस इन योर ऑफिस तो यू प्लीज लाइंग डाउन जस्ट फॉर टू मिनट थ्री मिनट फॉर जितना आपको समय मिले कम से कम टू थ्री मिनट तो आप ऐसे लेटिए सो दैट इट विल गिव हीलिंग टू योर स्पाइन आपकी स्पाइन को वो हील करेगा और अंदर थिंग व्हेन यू आर कमिंग बैक होम जब आप घर पर वापस आते हो तो उस समय भी आप इस तरह के रेमेडीज को आप ले सकते हो सो दिस विल डेफिनेटली विल हील योर स्पाइन और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दैट इज़ रियली वेरी गुड तो उस केस में भी आप इस तरह की प्रैक्टिस को जरूर कीजिए या सोने से पहले या सुबह उठने के बाद या दिन में भी आप पूरे दिन में दो तीन चार बार आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो दिस इज रियली वेरी गुड यू नो नीड टू टेक वेरी बिग हाइट आपको बहुत ज़्यादा हाइट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस इट विल टोटली डिपेंड्स वट का टाइप ऑफ द फ्लैक्सीबिलिटी यू हैव इन यूर स्पाइन तो नॉर्मल लोगों के लिए जो है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा ज्यादा विथ ना हो छोटा सा हो जैसे जैसे अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है उसके हिसाब से आप अपनी इस हाइट को कम या ज्यादा आप उसको कर सकते हो ये तो हो गया एक बिल्कुल एक इनिशियल और एक समथिंग वेरी बेसिक प्रैक्टिस उसके बाद कुछ एक और प्रैक्टिस है जो आप लेट कर आप करेंगे यू हैव टू लाइन डाउन विद योर बैक तो कोशिश कीजिए आप इफ समवन इज फेसिंग दिस इश्यू इनिशियल बैक पेन इश्यूज

तो ये आप कर लीजिएगा दो दो तीन तीन चार चार बार रेपिटेशन यू कैन गिव इट उसके बाद यू हैव टू बैंड लेग चीज ये भी ध्यान रखने की यू नो नीड टू गिव जक्स किसी भी प्रैक्टिस को झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है इश्यूज और इवन यू आर नॉट इवन यू आर नॉर्मल और इवन यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इश्यूज तो हर एक सिचुएशन में आपको बिल्कुल आराम से आना है तो एग्जाम्पल यू हैव टू बैंड यूर लेफ्ट लेग आपको लेफ्ट लेग को बैंड करना है लेफ्ट नी को हकना धीरे से उसको प्रेस करना है कोशिश कीजिएगा कि नी को आप चेस्ट की तरफ मत लेकर जाए नी को आप सिर्फ बैली की तरफ रखें रीजन बिहाइंड इट क्योंकि जब आप नी को बैली की तरफ पुश करेंगे देन इट विल गिव स्ट्रेच टू योर लोअर बैक ठीक है नी को आपको चेस्ट की तरफ नहीं लाना है चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे जो आपकी जो टेल बोन है इट विल स्टार्ट लिफ्टिंग अप फ्रॉम द फ्लोर वो फ्लोर से लिफ्ट करना वो शुरू कर देगी हमें क्या करना है हमें स्पाइन को पुश करना है फ्लोर की तरफ अगर आप इस टेक्निक से करेंगे यू हैव टू प्रेस योर नी टुअर्ड्स योर बैली और

एंड यू कैन जस्ट रिपीट थोड़े थोड़े आप तीन चार पांच बार रेपिटेशन आप कर सकते हो एंड ईच एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू होल्ड कम से कम आप टेन सेकेंड फिफ्टीन सेकेंड ट्वेंटी सेकंड तक आप, आप होल्ड कीजिएगा ये झटके नहीं मारने इस तरीके से नेवर एवर गिव जग उसके बाद फिर आपको दोनों लेग्स आपको लेना है। पहले आप लेग्स को बैंड कीजिए स्टे फॉर ए वाइल एंड आफ्टर दैट यू बैंड है सेम टेक्निक यूर टू यूज नोट दिस ये आपका जो है लगभग जब आप पवन मुक्तासन का सीरीज करते हो वेन यू प्रैक्टिस पॉस्चर नी टुअर्ड्स योर चेस्ट इसमें क्या होता है कि इट विल गिव द मोर पुश टुअर्ड्स योर बैली तो जो पवन का सभी को आपको पता ही होगा बट हेयर वी आर फोकसिंग ऑन बैक तो उस केस में क्या करेंगे यू हैव टू प्रेस योर नीज टुअर्ड्स योर बैली इंस्टीड ऑफ चेस्ट आपको नी को बैली की तरफ पुश करना है जब आप नी को बैली की तरफ पुश करेंगे देन ओनली इट विल गिव ए वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेच टू योर लोअर बैक तो आपकी स्पाइन को वहां पर वो प्रेस करेगा हो सकता है इनिशियल लेवल यू आर नॉट एबल टू होल्ड फॉर लॉन्ग आप क्या करेंगे you belly, तो ये दिस काउंटिंग कैन बी फोर फॉर सम वन दिस काउंटिंग मे बी फॉर टेन फॉर सम वन और मे बी फॉर सम वन इट मे बी ट्वेंटी और मे बी थर्टी काउंटिंग तो आप जितनी काउंटिंग आप कंफर्टेबल लेवल पर कर पाए आपको सिर्फ उतना ही आपको करना है ओके okay? लेक्स को बैंड कीजिएगा फिर धीरे धीरे वन बाय वन लेग को आपको स्ट्रेट करना है तो ये हो गई आपकी प्रैक्टिस तो वे हमने अभी तक तीन प्रैक्टिस को किया उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पर चलेंगे अगेन आपको लेफ्ट लेग को बैंड करना है और फिर लेग को बस आपको ये लेफ्ट की तरफ ड्रॉप करना है हल्का सा राइट की तरफ ड्रॉप करना है फिर लेफ्ट फिर राइट right, फिर लेफ्ट फिर right, राइट right. तो अभी धीरे धीरे बस आप ये मूवमेंट आपको देना है तो जो भी जो मसल्स के अंदर आपका जो स्ट्रेन होगा जो स्ट्रेस होगा वो रिलीज हो जाएगा

होना शुरू हो जाएंगे आपके यहां से उसके बाद आफ्टर एवरी प्रैक्टिस यू हैव टू गिव रिलैक्सेशन हर एक मूवमेंट के बाद आपको रिलैक्सेशन देना, देना है उसके बाद फिर आप इसी मूवमेंट को दोनों लेग से आप दीजिएगा लाइक हाफ मूवमेंट फर्स्ट टाइम सिंपल हाफ मूवमेंट हाफ मूवमेंट मेरा मतलब कि यू नो नीड टू टच फ्लोर विद योर नीज आपको फ्लोर को नीज से टच करने की जरूरत नहीं है आप उसे थोड़ा सा अप रखिएगा लाइक दिस उसके बाद यू कैन कम इन फिर बधाको नोना में आ जाइए मुश्किल लगता है समन दे डू नॉट हैव दैट हिप मोबिलिटी सो आप नी के नीचे ऐसे ब्लॉक लगा सकते हो इस तरीके से ये वन वन पे ब्लॉक नहीं है तो यू कैन यूज पिलो पिलो आप लगा सकते हो वन पिलो टू पिलो इट विल टोटली डिपेंड और धीरे धीरे जैसे नी को स्विंग कीजिएगा सो इट विल गिव द ओपनिंग टुवर्ड्स योर हिप जॉइंट आपके जो ग्रोइंग जॉइंट्स हैं उनको ये ओपनिंग करेगा और इट विल डेफिनेटली हील टू योर बैक टू तो बैक का मतलब सिर्फ बैक से नहीं रहेगा बिकॉज बैक इज ऑल्सो कनेक्ट विद योर हिप तो उसको भी ये हील करेगा सो यू कैन ऑल्सो डू विद दिस प्रैक्टिस बाद ये कुछ basics ही आपकी प्रैक्टिस होगी उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो जैसे कि आ, कुछ हैमस्ट्रिंग रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस है लेफ्ट लेग उठाइए बैंड कीजिए फुट को होल्ड कीजिए और नी को आरम पीठ की तरफ धीरे धीरे प्रेस करना है तो दोनों तरह से आप एक एक मैं एक तरफ से करके आपको बता रहा हूं यू हैव टू ट्राई विद बोथ साइड फिर भी ये कर लीजिए अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा तो जितना आप हो सके लेग को आप थाई से पकड़िए नी से पकड़िए एंकल से पकड़ पकड़िए स्ट्रैप को यूज कर लीजिए और इसके बाद आपको हैप्पी बेबी पोज आपको लेकर आना ये इसके अंदर भी कोशिश करना है हिप नहीं उठाने क्योंकि मोस्टली आप जब देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ वट दी आर डूइंग वो हिप को उठाएंगे फिर वो ऐसे मूव करेंगे लाइक like दिस देखा आपने यू कैन सी यू कैन वॉच माई हिप माई हिप इज लिफ्टिंग अप एंड माई स्पाइन इज ऑल्सो लिफ्टिंग अप ये देखिए मेरा जो लोअर स्पाइन है लिफ्ट हो गया है यहां पर सो व्हाट यू नीड टू डू इसको आप रेक्टिफाइ करेक्ट कैसे करेंगे फर्स्टली स्पाइन मतलब कि आपको टेल टेल बोन 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 को tail bone, जिसको bone बोलते, जिसको क्या बोलते और उसके बाद यू हैव टू ट्राई टू पुल योर नी टर्ड्स आरम पीट फिर आप कोशिश कीजिए मूव करने की दिस प्रैक्टिस विल हील योर स्पाइन ये प्रैक्टिस आपको हील करेगी इंस्टेड ऑफ दिस ये भी प्रैक्टिस है दिस विल मोर वर्क ऑन हैमस्ट्रिंग लेकिन हैमस्ट्रिंग के अंदर भी ठीक कर right. totally करो, करो जहां पर आपको कनेक्शन महसूस हो आप वो करो ओके okay? तो ये प्रैक्टिस हो गई आपकी फिर से आपने लेग को बेंड किया हक किया ओनली और इसके बाद मैं एक लास्ट टू प्रैक्टिस और मैं आपको बताऊंगा सना यू हैव टू ड्रॉप द नी ऑ ऑन लेफ्ट साइड अब इसके अंदर भी थोड़ी सी एक माइनर सी मिस्टेक आपका रहता है कि वी नो वेन यू डू ट्विस्टिंग यूर स्पाइन शूट स्ट्रेट बट नैचुरली क्या होगा कि जब आप ट्विस्ट करेंगे तो आपका स्पाइन ऐसे टेढ़ा हो जाएगा इसके अंदर तो इसको करने से पहले ही जैसे आप ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ तो पहले क्या करेंगे आप अपने हिप को उठाइए थोड़ा सा राइट की तरफ ड्रॉप कर दीजिए आफ्टर यू हैव टू ड्रॉप यूर नी ऑन लेफ्ट साइड नाउ यू विल फेल दैट यूर स्पाइन स्ट्रेट देन द लास्ट टाइम ठीक है ये टेक्निक बिल्कुल नहीं बोलना आपको स्पेशली फॉर द योगा टीचर बिकॉज दिस इज मर्कट आसन वेरिएशन दिस इज समथिंग वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास हर क्लास में हम इसको करते हैं कि आप बॉडी को वार्म अप करने के लिए या बॉडी को कूल डाउन करने के लिए अल्ट्रा सॉरी कॉन्ट्रा पोस्टर के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं जैसे कि इफ आई नीड टू टर्न ऑन द राइट तो आप क्या करेंगे हिप को उठा के थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रॉप कर देंगे थोड़ा सा एंड आफ्टर यू ड्रॉप योर नी ऑन राइट एंड यू विल फील दैट स्पाइन इज स्ट्राइट प्रैक्टिकल मेक यूर ऑनियो एंड यू फील इट और उसके बाद प्लीज राइट इन कमेंट ये ठीक था या गलत था ओके okay? तो आपको लेफ्ट ड्रॉप करना है यू हैव टू होल्ड फॉर समाइम किसी का नहीं हो पाता नीचे नीचा हो गया यहाँ पर तो अगेन कोई ब्लॉक है कोई दो ब्लॉक लगाए कोई एक ब्लॉक लगाए पिलो लगाए ऐसे आप ऐसे स्पोर्ट दे सकते हो एंड आफ्टर यू होल्ड लेफ्ट साइड थर्टी सेकेंड वन मिनट आपके ऊपर है उसके बाद वापस आइए रिलैक्स कीजिए पहले डिथिंग थ्री टाइम फोर टाइम एंड अगेन साइड कहने का मतलब आफ्टर यू डू एनी मूवमेंट आफ्टर यू होल्ड एनी पोस्टर गिव ब्रेक थोड़ा थोड़ा ब्रेक आपको देकर चलना है मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूं क्योंकि if I make it, मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम ठीक है तो यू डू दिस एंड द लास्ट वन बैंड वन लेग एंड ड्रॉप ऑन योर राइट साइड मैं यहां से आपको बताऊंगा जैसे कि मैंने राइट लेग बैंड किया दो चीज आप राइट right नी को ड्रॉप करेंगे तो आपका राइट right शोल्डर उठेगा राइट right शोल्डर लगाएंगे तो नी उठ जाएगा तो उसको एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूर शोल्डर शुड ऑन द फ्लोर एंड पार्मेसिंग डाउन वाई क्योंकि अगर शोल्डर उठेगा तो स्पाइनल ट्विस्ट एग्जैक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा गाइज तो ये आपको ध्यान में रखना क्या करेंगे आप कोई भी पिलो या ब्लॉक लगा लीजिएगा ऐसे मेन थिंग शोल्डर शुड स्टेबलाइज स्टेबलाइज का मतलब दोनों शोल्डर हाथ आपके धरती माता जी को टच होने चाहिए पाम फेसिंग डाउन एंड यू हैव टू प्रेस योर पाम एंड शोल्डर टुवर्ड्स फ्लोर पाम और शोल्डर को फ्लोर की तरफ पुश कीजिए सो दैट यू कैन टेक स्पोर्ट फ्रॉम अपर बॉडी ताकि आप अपर बॉडी से स्पोर्ट ले पाए ठीक है तो आपको इस तरीके से होल्ड करना है ट्वेंटी सेकंड थर्टी सेकंड और थर्टी सेकंड बाद एक बार ट्राई करके देख लेना कि आप एक ब्लॉक हटा के फिर देखो हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है फिर से लगा लो नो जबरदस्ती नो धक्का मुक्की अगर आपका हो रहा है वेल एंड गुड और फिर ऐसे धीरे धीरे जब आप इस रूटीन को करते जाएंगे वी विल प्रैक्टिस एवरी डे एवरी डे एवरी डे तो आपको ना फिर इस ब्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बट इफ यू वॉन्ट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम अगर आपको लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं दिस इज समथिंग बिलोंग टू यिन यिन क्या होता है कि जिसमें आपको यू हैव टू होल्ड वन पोशन फॉर ए लॉन्ग टाइम तो ऐसे आप कीजिए लेफ्ट होल्ड कीजिए थर्टी सेकेंड वन मिनट वापस आइए रिलैक्स कीजिए फिर आप राइट right कीजिए फिर रिलैक्स कीजिए इनिशियल टाइम यू जस्ट ट्राई ओनली वन वन टाइम फिर जैसे जैसे आप रूटीन को इंक्रीज करेंगे फिर आप दो बार तीन बार ऐसे आप रेपिटेशन बढ़ाते जाइए और जब आप उठे वैन यू कम इन सिटिंग पोजिशन इवन यू गेट अप फ्रॉम द बेड जब आप मॉर्निंग में भी बेड से उठते हो तो आपको एकदम से एज पहलवान नहीं बनना है सुपरमैन नहीं बनना है सो यू हैव टू फर्स्ट बैंड यू लेग्स स्टे फॉर एवा फ्यू डीप ब्रेथ फिर मूव कीजिए कई टीचर्स बोलते हैं लेफ्ट मूव करना चाहिए कुछ बोलते हैं राइट करना चाहिए आपको जो ठीक लगे वहां से आप मूव कीजिए मैं ज़्यादा उस डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा सो यू जस्ट मूव लाइक आई एम मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड स्टे फॉर ए वाइल फिर यू हैव टू पुश योर पाम एंड आफ्टर यू हैव टू कम इन सिटिंग पोर्शन विद दैट वे ओके तो मैं हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे दिस इज समथिंग वेरी बेसिक बेसिक प्रैक्टिस समथिंग वेरी जनरल प्रैक्टिस विच एवरी वन कैन डू इट यू आर ए सीनियर सिटीजन यू आर ए किड यू आर एडल्ट फीमेल मेल कोई भी हो एवरी वन कैन डू इट यू आर ए ऑफिस वर्कर यू आर ए सिटिंग जॉब यू हैव ए स्टैंडिंग जॉब इवन यू आर यू आर जस्ट वर्किंग एट होम कुछ भी हो एवरी वन प्लीज ट्राई टू डू इट इट विल डेफिनेटली इट विल ही यूर स्पाइन ये आपकी स्पाइन को बहुत ही ज्यादा ये हील करेगा बिकॉज नाउ डेज कॉमन दिस इज ए वेरी कॉमन द लोअर बैक पेन इश्यूज आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे सो so प्लीज आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन मैंने देने की कोशिश करी है आपको एंड यू प्लीज शेयर यूर फीडबैक टू आप इसको थोड़ा सा फॉलो भी कीजिएगा और फिर आप अपने कमेंट भी जरूर मुझे दीजिएगा यहाँ पर अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू मैं फिर से आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर इफ समन इज हैविंग एनी क्रिटिकल और एक्सट्रीम इशूज विद बैक क्योंकि बैक पेन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं कोई डिस्क का है कोई स्लिप डिस्क का है कोई डिस्क हर्नेशन का प्रॉब्लम है कोई कोई आपका साइटिका का प्रॉब्लम है कोई बल्ब का प्रॉब्लम है देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं बैक पेन के अंदर भी और उनके फिर लेवल भी हैं ठीक है मान लो किसी को साइटिका का प्रॉब्लम है वो क्या आपका इनिशियल लेवल पर है या वो लेवल उसका ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है तो हर एक प्रॉब्लम का लेवल भी डिपेंड करता है ये जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कोई भी इंसान जो कर सकता या आपको related, और आपको होता है तो प्रॉब्लम हो गया ज्यादा खड़ा हो लिया तो प्रॉब्लम हो गई फीलिंग पेन महसूस हो रहा है थकावट महसूस हो रही है तो उनके लिए दिस इज रियली वेरी अमेजिंग प्रैक्टिस सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अस थैंक यू सो मच